हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये महत्वपूर्ण जो अपडेट है आज की डेट की, आप देख सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 संशोधित परीक्षा परिणाम। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 का संशोधित जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया गया है। ये आपको पता ही है कि ये जो विज्ञापन था इसमें जो कुल पद थे गैर अनुसूचित क्षेत्र के थे 8974 और अनुसूचित क्षेत्र के थे 888। इस प्रकार से कुल जो पद थे वो 9862 पद थे और उनका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया गया था, 31/8/2022 को जो है दो गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट के द्वारा जो है अलग अलग मामलों में जो रिट याचिकाएँ इससे भर्ती से रिलेटेड कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, उन मामलों में कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं उन डिसीजनों की अनुपालना में संशोधित परीक्षा परिणाम जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, ये जो 21/8/2028 को जारी किया गया परिणाम था उससे अलग जारी किया गया है, यानी उन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर इस परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेपरेट हैं। ये अलग से जो है उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। तो ये जो है इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अलग से सूचित जो है किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी इस प्रकार की अपडेट आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आपके पास में समय पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान को नियमानुसार अभिशास्त्रित किए जाएंगे। तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो योग्य पाए जाएंगे उन अभ्यर्थियों का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान को प्रेषित किया जाएगा, जिनके द्वारा इनको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए ये जो अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर दिए गए हैं इनको जो है उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के ये जो अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर आपके सामने हैं, इन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो है उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इनका रिजल्ट जो है हाईकोर्ट के आदेश से जारी किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट के आदेश से उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पहले ही बता दी, दोबारा सुन लो कि पूर्व में जारी इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 31/8/2022 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी इस भर्ती परीक्षा का जो पहले परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था रिजल्ट, उसके ऊपर इस रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा उसकी सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपके पास में समय पे आ जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।